छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार और रैली का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेट स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने भूपेश बघेल से पूछा कि 5 साल में आपने यहां क्या किया है। छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए, और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो, बिचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है, और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। एक तरफ जहां बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए घोषित की गई तारीखों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ चुनाव आयोग चाहती है कि 100% मतदान हो, उनका जो टारगेट है कि एक एक व्यक्ति अपना मत डाल सके, ये उनका टारगेट है, घोषित उनका टारगेट है। अभी राष्ट्रीय एक स्वायत्त संस्था है जो चुनाव कराती है, इनके विवेक पे और इनके सोच पे आधारित करता है कि वो चुनाव की तिथियां किन बातों को लेके तय कर रहे हैं। इस दरमियान दशहरा का त्यौहार है, इस दरमियान दिवाली का त्यौहार है, इस दरमियान देवउठनी एकादशी भी है, इस दरमियान भाई दूज भी है, इस दरमियान गोधन पूजा भी है और छठ भी है। तो ये सारी चीज हमको आपको ही जानकारी है, ये तो देखिए सबको मालूम है कि देश में हमारे समाज में कौन कौन से त्योहार हैं। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये पहली चुनावी सभा और रैली है।